गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस अगेन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटर इन दिस चैप्टर. इन दिस इज मॉरल साइंस बुक जॉयफुल लिविंग. ऑल राइट, लेसन 3, स्प्लिश स्प्लैश. छप छप हम लोग करते हैं ना पानी में, दैट इज. दिस इज इन योर बुक पेज नंबर 11, इन योर मॉरल साइंस बुक पेज नंबर 11. ऑल राइट, I am walking in the water, splash, splash on my wet. Oh, I am wet. अब कोई छप छप करेगा, अगर कहीं गड्ढे में, छोटे से गड्ढे में कहीं पानी है और आप उसमें छप छप करेंगे तो ऑफकोर्स आप भीग जाएंगे. तो आप क्या लिख रहा है कि क्या बता रहा है, I am walking in the water, मैं पानी में चल रहा हूँ. कैसे छप छप छप, and I am wet. When we start jumping in the stream or in the river, और द सी, द वाटर स्प्लैश ऑन अस. जब हम पानी के झरनों के ऊपर, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे कहीं ऐसे चलते हैं तो हमारे ऊपर क्या होती है, पानी की छींटे पड़ती हैं, छोटी छोटी ऐसी फुहारें पड़ती हैं. एंड वी फील हैप्पी, हमें अच्छा लगता है, हमें खुश होते हैं. वी इन्जॉय द कूलनेस ऑफ द वाटर, वो पानी की जो ठंडक होती है वो हमें क्या करती है, हम अच्छी लगती है. वी इन्जॉय, हम उसे इन्जॉय करते हैं. ऑल राइट, come to the next page, number 12. Time to think and sing. Raining is, it's raining all the day. पूरे दिन. अब यहाँ पे क्या है, बारिश के सीजन का टाइम बता रहा है. Raining, it's raining all the day. पानी पूरे दिन भर, हर समय, पूरे दिन, all the day. मतलब पूरा दिन पानी बरस रहा है. Raining, it's raining. We can't go out to play. हम बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है. But flower will grow and it will too. We will true. लेकिन ये जो बारिश होती है इस मौसम में, पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए, उनको बड़े होने के लिए, ये बहुत अच्छा मौसम होता है. तो ये क्या बता रहे हैं कि द फ्लावर विल ग्रो एंड वी विल टू. फ्लावर बड़े हो रहे हैं और हम भी बड़े हो रहे हैं धीमे धीमे. हम आप बड़े होते हैं ना, यानी आपको मजा आ रहा है. देर विल बी प्लेंटी टू ड्रिंक फॉर मी एंड यू. अभी इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि हम लोग के लिए अथाह पानी, इफरात पानी, बहुत सारा पानी हो जाता है कि आपके और हमारे पीने के लिए, पेड़ पौधे के, जानवरों के, चिड़िया के, सबके पीने के लिए खूब सारा पानी हो जाता है. रेनिंग, इट्स रेनिंग, बट वी वॉन्ट बी सैड. पूरे दिन बारिश हो रही है, हम बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम दुखी नहीं हैं. वी वॉन्ट बी सैड टूडे. लेकिन आज हम दुखी नहीं है बारिश के मारे, बिकॉज वी आर इन्जॉइंग, हमें अच्छा लग रहा है. वी मस्ट बी हैप्पी एंड नॉट सैड इन द रेनी डे. हम क्या हैं बारिश में, बहुत, देखो कैप्स में लिखा है, बहुत खुश, मज़ा आता है. आपको आता है मज़ा बारिश में? वैसे मुझे तो आता है. चलिए, द टाइम टू डू, वाटर इज अ प्रेशियस गिफ्ट. अब पानी क्या है, पानी और आप और हम बना नहीं सकते. ये भगवान जी ने हमें गिफ्ट दिया है और ये बहुत ही कीमती गिफ्ट है. प्रेशियस मीन्स कीमती, तो ये हमारे लिए बहुत ही कीमती गिफ्ट है. स्टडी दिस पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू अंडरस्टूड हाउ यू कैन यूज एंड सेव दीज गिफ्ट्स. अब ये भगवान जी ने हमें इतना अच्छा, इतना कीमती गिफ्ट दिया है, पानी. अब इमेजिन करिए, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करिए कि पानी के बिना हमारा लाइफ क्या होगा. धीमे धीमे करके हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जानवर को आप पानी नहीं देंगे तो वो भी मुरझा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे. ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है, हम पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे और उसमें फिल करेंगे इन ब्लैंक्स को, और ये जानने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इस गिफ्ट्स को बचा सकते हैं, इसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं. ऑलराइट, डू नॉट डैश वाटर, डू नॉट वेस्ट वाटर. हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए. शावर से नहीं नहाना चाहिए, बकेट से नहाना चाहिए. वी डो नॉट डर्टी वाटर, पानी को गंदा नहीं करना चाहिए. नदी, समुद्र में गंदगी, घर की या कहीं की गंदगी नहीं डालनी चाहिए. शेयर वाटर विथ अदर्स, अगर अगला कोई प्यासा है, आपके पास प्यास से आ रहा है, आपके पास पानी है, तो आपको शेयर करना चाहिए. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर, साफ और फ्रेश वाटर हमें अच्छे से पीना चाहिए. प्लेंटी मीन्स खूब सारा पानी पीना चाहिए. अगर इवन जाड़ों में भी पीना चाहिए बेटा. अगर मम्मी आपको पानी देती है तो आप ज़रूर पीजिए.
नाउ इट्स टाइम टू प्रे. ओ हाउ वी लव वाटर. अब हमको पानी कितना अच्छा लगता है. सो कूल एंड रिफ्रेशिंग. अगर हम थके होते हैं, अब हमको पानी दे दीजिए. आप पानी, अगर आप बहुत थके और आप पानी पी लीजिए तो आपको बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं. आपको एक तरह से नई ताजगी मिल जाती है. ईच टाइम वी ड्रिंक और प्ले इन वाटर. जब भी हम पानी को पीते हैं या उसमें खेलते हैं, द गॉड विल थिंक हाउ ग्रेट यू आर. हम क्या देखते हैं, ओ गॉड वी थिंक. हम सोचते हैं, भगवान आप कितने महान हैं, कितनी अच्छी चीज़ दिया. थैंक यू फॉर द रेन. अब भगवान जी को थैंक यू किया काहे के लिए, बारिश के लिए. दैट मेक आर गार्डन ग्रो, जो हमारे गार्डन को ग्रो करने में मदद कर रहा है. थैंक यू गॉड फॉर स्पेशली ब्लडी द टू जम्प इन एंड कूल आर बॉडी एंड माइंड. इस पानी में छपाक से कूदने के लिए, उसमें खेलने के लिए, मतलब भगवान जी को बहुत थैंक यू करना की ज़रूरत है कि उन्होंने हमें कितना प्रेशियस गिफ्ट दिया है. क्या दिया है, ये वाटर दिया है. नाउ इट्स टाइम टू रिमेंबर. चलिए कुछ मेमोरीज. वाटर इन बॉटल, वाटर इन पैंस, वाटर इन कैटल, वाटर इन कैंस. वाटर कहाँ है, बॉटल में भी भर सकते हैं, पैन में भी भर सकते हैं. कैटल मीन्स केतली, जिसमें मम्मी लोग चाय बनाती हैं, केतली. और हम कैन में भी बॉटल भर सकते हैं. वॉट इज अ लवली गिफ्ट, क्रॉप कैन ग्रो. क्रॉप मीन्स होता है खेत, फसल. तो वाटर कितना प्यारी, कितनी अच्छी चीज़ होती है. लवली गिफ्ट, बहुत ही प्यारी गिफ्ट है, जो सिर्फ क्रॉप यानी फसल यानी गेहूं, अनाज, चावल, दाल, अगर वो नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या. पूरी पूरी आम, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या खाएगा. तो क्रॉप को यानी फसल को यानी अनाज को ग्रो होने में कौन कौन मददगार है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, वाटर. एंड वी कैन लिव, मतलब हम भी जिंदा रहते हैं वाटर के ही सहारे से. नेक्स्ट पेज नंबर 14. फॉर वी हैव इनफ टू ईट एंड द ग्रास इज ग्रीन एंड द फ्लावर्स स्मेल स्वीट. यानी पानी की ही मदद से हमें खाने को अच्छे से मिल जाता है. पानी नहीं बरसेगा तो ज़्यादा अच्छे से अनाज नहीं उगेगा. हरी हरी घास कितनी खूबसूरत लगती है ना. एंड द फ्लावर्स वी स्मेल स्वीट. जो फ्लावर्स अलग अलग स्मेल के हैं, कोई स्वीट स्मेल है किसी की, बहुत प्यारी. वैसे फ्लावर्स के, सारे फ्लावर्स की स्मेल बहुत प्यारी होती है. सो दिस इज द थर्ड चैप्टर.